तो दोस्तों डेली की तरह आज भी इंडियन आर्मी रिलेशन भर्ती एंड स्पोर्ट्स भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस का टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों हमारा जिस स्टूडेंट का 8 सितंबर को एग्ज़ाम है और दोस्तों आप वही एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप जरूर इसी वीडियो को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 100% आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ऐसे चांस है। तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छा तरह देख लीजिए। और जिस स्टूडेंट हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो दोस्तों देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कोली इज द फोक डांस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। देख लीजिए कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ स्टेट। राज्य का राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है, बता दो कितना होना चाहिए एक गवर्नर को न्यूनतम आयु, बता दो 25, 30, 35, 55, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर आप सही आंसर चुन लो, देखते हो कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी 35 ईयर को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज, देख लीजिए विश्व में हरित क्रांति के जनक है कौन है, बता दो ए बी सी या डी। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मेनी प्लेयर्स ऑन ईच साइड आर अलाउड ऑन द फील्ड एट द टाइम इन द गेम ऑफ वॉलीबॉल। देख लीजिए खेल में एक समय में प्रत्येक पद के कितने खिलाड़ी को मैदान पर अनुमति दिया जाता है वॉलीबॉल में, बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। जो वॉलीबॉल के अंदर जो दोनों साइड होता है एक या दो, तो एक साइड के अंदर कितना होता है, तो एक साइड के अंदर जितना होगा दो साइड के अंदर उतना ही होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना 6 को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, 6 होगा राइट आंसर। टोटल आपका 12 प्लेयर होता है बट एक साइड में 6 प्लेयर होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस इन इंडिया। देख लीजिए भारत में मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करती है, बहुत ज़्यादा बढ़कर रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ही जानते हो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ, बिल्कुल ऑप्शन प्रेसिडेंट होगा राइट आंसर, डीएनटी, हाँ प्रेसिडेंट होगा राइट आंसर, राष्ट्रपति होगा सही आंसर। जल्दीबाजी में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, आप अच्छा तरह पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, देख लीजिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था कब हुआ था बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन स्थापना किया था किसने किया था बता दो, तो बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मदन मोहन मालवीय होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमारा जिस स्टूडेंट का 8 सितंबर को एग्जाम है और दोस्तों आपका एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो दोस्तों एक ही तरीका है, अब ज़्यादा से ज़्यादा पी वी आर सी आर का क्वेश्चन पढ़ो, जो क्वेश्चन 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 या 23, 21 में 20 में एग्जाम नहीं हुआ था, 21, 22, 23 वो एग्जाम हुआ था,
क्योंकि लॉकडाउन के वजह से बीच में एग्जाम नहीं हुआ था। तो दोस्तों वो क्वेश्चन को पढ़ लो, आपका एग्जाम वही से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन 15 में पूछा जाता है वही सेम टू सेम क्वेश्चन 16, 17, 18 के अंदर रिपीट हो जाता है। इसीलिए आप पिछले 8 साल का क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम 100% क्लियर। इसीलिए हमारा टीम आपके लिए लेकर आया है 2015 से लेकर 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया, तकरीबन 2000 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा ओनली 99 रुपया में। तो दोस्तों ये कोर्स आप खरीदना चाहते हो तो दोस्तों जरूर आप इसी नंबर पे हमारा एकेडमी में कांटेक्ट कीजिए, सभी जानकारी मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, कैसे पेमेंट करना होगा, सभी जानकारी, कोई डर कोई नहीं है। अभी पेमेंट करोगे तो अभी मिल जाएगा, आप पहले भी पीडीएफ ले सकते हो, बाद में पासवर्ड लेकर ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों अभी कॉल करो इसी नंबर पे या व्हाट्सअप करो, सभी जानकारी मिल जाएगा। पीडीएफ किस तरह है देखो। तो दोस्तों हमारा पास इस तरह क्वेश्चन आता है, देखो ये आरटी सेंटर हैदराबाद का है, चाहे आप जाट सेंटर से हो, दंग रेजिमेंट सेंटर से हो, कोई भी रेजिमेंट सेंटर से हो, जितने भी क्वेश्चन इस तरह पूछा गया सभी क्वेश्चन मिल जाएगा, तकरीबन 2000 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों वो पीडीएफ आप खरीदना चाहते हो तो अभी कॉल करो। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, रामगढ़ का है, दानापुर का। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, कितना भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन मिल जाएगा, अभी कॉल करके पीडीएफ ले लो, मैथ रीजनिंग साइंस सभी मिल जाएगा, जरूर आप कॉल करो पीडीएफ ले लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, अभी कॉल करो। तो दोस्तों ये एमईजी सेंटर बेंगलोर का है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं है, देखा नहीं सकता हूँ, आप कॉल करो और वो पीडीएफ प्रिंट आउट भी होगा, अच्छा तरह हिंदी इंग्लिश में लिख दिया। तो दोस्तों पीडीएफ के अंदर अच्छा तरह आंसर भी दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा तरह आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों आप जरूर कॉल करो और पीडीएफ ले दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु आज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देख लीजिए भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन है, बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट अमंग द वेदास, देख लीजिए निम्नलिखित में से किस वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है, बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए ऋग्वेद को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऋग्वेद होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ व्हिच कंट्री, देख लीजिए भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा गुजरता है या करता है, बता दो पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन डी को चुना, बांग्लादेश को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, बांग्लादेश। बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर का नाम अच्छा तरह याद करके रखना, क्योंकि वो बांग्लादेश से भाग के आया इंडिया में, क्योंकि बांग्लादेश का पॉपुलेशन नहीं चाहता उसको, इसीलिए उसको भगा दिया वहां से, शेख हसीना वाजिद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल, देख लीजिए साइकिल का आविष्कार किसने किया था, बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बताओ किसने किया। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, कार्ल वॉन डेनिस को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा डेनिस होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, देख लीजिए आम का जो विज्ञान संबंध नाम है वो क्या है, बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए मैंगोफेरी इंडिका होगा राइट आंसर। ए बाघ का है, टाइगर का है, इक्वस कैवेलियर्स, ए हॉर्स घोड़ा का है। ओके ए भी जानकारी रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन, देख लीजिए जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी, किसने की थी, सबसे पहले पूछा गया आपका एग्जाम में आया तो सबसे पहले कौन किया था, यही आता है, दूसरा कोई नहीं आता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, फेडरिक बेंटिंक को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गोल्ड, देख लीजिए सोने का सूत्र क्या है, बता दो ए बी सी डी, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा, बताओ बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए यू होगा सही आंसर। सोने का गोल्ड का जो फॉर्मूला होता है वो ए यू होता है, ये जिंक का है, जेरेन एल्यूमिनियम किसका है, एलो सॉरी ये एल एल्यूमिनियम का है,
Cu एक कॉपर का है, ओके ये भी जानकारी रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, पुना पैक्ट वाज सिग्नेट इन व्हिच ईयर। देख लीजिए, पुना जो समझौता हुआ था वो किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था बता दो, या किस वर्ष में हुआ था बता दो, बीच में भी पूछा जाता है, किस वर्ष सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1932 इज द राइट आंसर, ओके ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, गुजरात का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन ए को चुना, भूपेंद्र भाई पटेल को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया हु रोट पंचतंत्र बुक। देख लीजिए, पंचतंत्र पुस्तक का लेखक कौन है बता दो, कौन थे चारों ऑप्शन के अंदर, आप सही आंसर चुन लो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विष्णु शर्मा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज पामीर प्लेटू लोकेटेड। देख लीजिए, पामीर का जो पठार वो कहाँ स्थित है बता दो, ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा बताओ, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तजगिस्तान को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रेड पॉइजन। देख लीजिए, चूहे मरने का दवा का रासायनिक नाम क्या है बता दो, ए बी सी डी इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, जिंक फॉस्फेट राइट को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया नाथुला पास लोकेटेड व्हिच स्टेट इन इंडिया। देख लीजिए, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है बता दो, ए बी सी डी इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन डी सिक्किम राज्य को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है हु इज कास्ट बाय पोलियो। देख लीजिए, जो पोलियो के कारण, जिसके कारण पोलियो होता है यही होगा, जिसके कारण, किसके कारण पोलियो होता है बता दो, बैक्टीरिया एलजी वायरस नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वायरस होगा सही आंसर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। देख लीजिए, जो आर्य समाज का संस्थापक थे कौन थे बता दो, ए बी सी डी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बताओ, दारा नंद सरस्वती होगा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और दोस्तों अभी तक आपने इसी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट का 8 सितंबर को एग्जाम है आप जरूर कॉल करके ले लीजिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता, एक या दो बार मौका मिलता है, वही मौका काम पे लगाकर आपका मंजिल हासिल करना पड़ता है। तो दोस्तों मौका मिल गया, बहुत मेहनत के बाद आपका नौकरी का जो एग्जाम होता है वो मिल गया, तो आप मेहनत करो और दे दो। और कोई बच्चा सोच रहा हो सर को पैसा देंगे तो सर भाग जाएगा, आपका 99 रुपया लेकर हमारा क्या होगा बताओ, लेकिन यही 99 रुपया लेकर आप अच्छा तरह पढ़ाई करोगे, पीडीएफ लेकर पढ़ाई करोगे, तो आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा और जिंदगी पलट सकते हैं आपका। जब नौकरी मिल जाएगा ना तब पूछ लेना, जो रिलेशन है ना आपका, जो फादर या मदर का, उसको पूछ लेना आपका हाल क्या था नौकरी का पहले, अभी नौकरी मिल गया तो अभी का जो हाल है वो क्या है पूछ लेना एक बार। अच्छा तरह क्वेश्चन देखो, हु इज द करंट होम मिनिस्टर। देख लीजिए, वर्तमान गृह मंत्री कौन है, अभी कॉल करो, पीडीएफ ले दो, एकेडमी के तरफ से 5 मिनट के अंदर ही सेंड कर देंगे, एग्जाम नजदीक में है इसलिए 5 मिनट के अंदर ही चला जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्री अमित शाह होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कंट्री मेंबर ऑफ शार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। जो शार्क का, शार्क में कितने देश होता है बता दो, सदस्य कितना है। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सी को चुना, 8 को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। शार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, शार्क का स्थापना हुआ था 18
सॉरी 1985 में हुआ था, ये भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया हु वाज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, देख लीजिए भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बता दो। तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जल्दी करा देता हूँ, राजस्थान होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, सबसे छोटा है गोवा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, देख लीजिए निम्नलिखित में से सबसे हल्का धातु कौन सा है बता दो। तो दोस्तों ये तो बच्चे देख कर राइट आंसर कर दिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लिथियम होगा राइट आंसर। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन के अंदर कितना क्वेश्चन आया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और प्यारे बच्चों लल्ले बच्चों अभी तक पीडीएफ नहीं खरीदा तो ले लीजिए, पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चन है पढ़ लो, तोड़ मोड़ के खा लो, एग्जाम 100% क्लियर। जो बच्चे ले लिया सुबह से लेकर अभी तक वो तोड़ मोड़ के खा लो, जो बच्चे सोच रहे हो लेंगे क्या नहीं लेंगे अभी कॉल करो और पीडीएफ ले लो, 100% एग्जाम क्लियर, अभी कॉल करो। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।